तो उसमें शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है इस बार 7 सितंबर की है, शनिवार है उस दिन, 7 सितंबर 2024 को इस बार गणेश चतुर्थी है। तो भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी प्रकट हुए हैं राधा अष्टमी से 4 दिन पहले। तो भाद्रपद की जो चतुर्थी है उसको गणेश जी का आविर्भाव माना गया है और इस तिथि की बड़ी महिमा शिव महापुराण में लिखी है। जैसे माघ मास की जो संकष्टी चतुर्थी होती है जिसको सकट चौथ कहते हैं, उसको तो माता बहन व्रत रखती हैं और घरों में उसका व्रत होता है, लेकिन वो भी गणेश जी की तिथि है, वो संकष्टी चौथ है, उसको सकट चौथ कहते हैं। लेकिन ये जो भाद्र मास की जो चौथ है ये गणेश जी की आविर्भाव तिथि है। इसकी महिमा बड़ी शिव महापुराण में लिखी है। महिमा यहां तक लिखी है कि कोई बहुत अधिक आर्थिक अभाव में हो, बिल्कुल माने एक एक पैसे को मोहताज हो रहा है, तो वो एक वर्ष का अनुष्ठान करे। ये शिव महापुराण के वचन है, ये कुमार खंड की कथा आप सुन रहे हैं। क्या करे, अभी जो 7 सितंबर 2024 को ये तिथि आएगी भाद्रपद की चतुर्थी शुक्ल पक्ष की गणेश जी का आविर्भाव की तिथि, उस दिन से प्रारंभ करे। और क्या करे, माता बहन कर रही हैं जो कर रही हैं, व्रत रखे, अगर हो सके तो निर्जल निराहार, नहीं तो फिर जैसे बन सके ऐसे गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करे और गणेश जी को 108 दुर्वा चढ़ाए। लड्डू संभव हो तो लड्डू, 108 नहीं तो सवा किलो, सवा किलो नहीं तो सवा पाव बड़ा करके, इतना भी नहीं तो 108 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाए। व्रत रखे, गणेश अथर्व शीर्ष का गणेश स्त्रोत का पाठ करे और फिर 1 साल तक की चतुर्थी करे। हर महीने में जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है वो गणेश चतुर्थी होती है, मुख्य तो भाद्रपद की है पर हर महीने की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है वो गणेश जी की तिथि होती है, और हर महीने की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है वो शिवरात्रि होती है, मासिक शिवरात्रि। तो हर महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस के पहले के दिन की जो तिथि होती है चतुर्दशी चौदस, वो मासिक शिवरात्रि होती है, और हर महीने की शुक्ल पक्ष की जो चौथ होती है चतुर्थी होती है वो मासिक गणेश चतुर्थी होती है। तो इस भाद्रपद की चतुर्थी से प्रारंभ करे, व्रत रखे, गणेश स्त्रोत का पाठ करे, गणेश जी को 108 दुर्वा भले घर में भी विराजमान कर ले, भले मंदिर में जाकर के 108 दुर्वा चढ़ाए और जो भोग आरती इत्यादि कर सकता है वो करे, और प्रतिदिन 1 ब्राह्मण को भोजन कराए उस दिन चतुर्थी को, और ऐसे करके फिर 12 महीने माने अगली आ जाए, हर महीने की चतुर्थी एक दिन आया महीने में, हर महीने की चतुर्थी को करे, ऐसा कैलेंडर में देख ले पत्रे में, और फिर वापस वही भाद्र मास की अगले साल की चतुर्थी आ गई तो भले हर चतुर्थी को 1 ब्राह्मण को भोजन कराए, ब्राह्मण ना मिले तो गैया को जिमाए, रोज नहीं हो सकता तो फिर आखिरी दिन 12 ब्राह्मणों को एक साथ जिमा दे। तो ऐसा यहां शंकर भगवान का वचन है, मन से बनाई कोई बात नहीं बोल रहे, शंकर भगवान का वचन है कि ब्रह्मा यदि उसके माथे में धन की रेखा लिखना भूल गए हो तो भी उसका दारिद्र दूर हो जाए, उसका अभाव दूर हो जाए। ये एकदम सात्विक अनुष्ठान है जो कि घर में माता बहन भी कर सकते हैं, कोई खर्चा भी नहीं है और अपने से कर सकते हैं इसको। तो भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी प्रकट हुए हैं, उस समय सबने आकर के स्तुति की है, सबने अपने अपने आयुध प्रदान किए हैं, और अब तो 2-2 पुत्र हो गए, आनंद हो गया। शंकर जी की गोद में कार्तिकेय भगवान और श्री पार्वती जी की गोद में श्री गणेश जी शोभायमान हैं,
सब देवता स्तुति कर रहे हैं।